It's not like that, sir. सबके सामने आप एक नेशनल टेलीविजन पे सब लोग देखने वाले हैं उस चीज को, तो मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करा था कि आप ऐसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन में वो चीजें ऐसे बोलोगे। तो जो मेरा दिमाग बोलेगा मैं तो वो लिखूंगा। तो आपके दिमाग में ये चीजें आने लग गई हैं अभी। प्रणव नौकर, रियली? मतलब शर्म नहीं आती? सर उसने कई बार ऐसा स्टेटमेंट मेरे को मुंह पर बोला। प्रणव शट अप। मिसअंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है या क्या है, मैं और अनुषा इसके बारे में बाद में सोचेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे सामने पहले भी आ चुकी है, सो आई थिंक वील हैव टू वर्क ऑन दिस वन, वी विल गेट बैक ऑन दिस वन अगेन। अभी हम सब के सब सहमे हुए थे और तभी एक और ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसके सुनते ही सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लिटरली। आई वुड रादर वॉच एडल्ट मूवीज देन गेट फिजिकली इंटिमेट विद माई पार्टनर। लेट मी शेयर अ लिटिल सीक्रेट विद ऑल ऑफ यू राइट नाउ। आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ दिस कन्फेशन, बिकॉज ये कन्फेशन लड़कियों से आए, एंड इट्स अ बिग कन्फेशन फॉर अ गर्ल टू मेक। क्योंकि ऐसा हमेशा लगता है कि सिर्फ लड़के लोग सेक्स के बारे में सोचते हैं, बट इट्स 2016 बॉयज एंड द वुमेन आर टॉकिंग। तो ये तो आपने बहुत क्लियर कर दिया यार, अब बताइए। आई थिंक आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये कन्फेशन मोनिका की तरफ से ही आया होगा। द पर्सन दैट डिड कन्फेस वो है मोनिका। जनरली ऐसा गर्ल्स बहुत कम करती हैं। आई लव टू वॉच एडल्ट वीडियोज एंड ऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटीमेट नहीं हो पाते हैं इतना मेरे साथ, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मेरी उस वे में निकलती है। हर एक ह्यूमन के लिए एक स्टेज पे आके, एक एज में आके और एक टाइम पे आके ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होती है। हर कोई सोचता है, लड़की भी लड़के दोनों सोचते हैं, और अगर कोई नहीं सोच रहा है उसके बारे में तो आई डोंट थिंक कि वो ह्यूमन है। वेरी फ्रैंक, What a bullshit statement that was made by my partner. अगर हमारे बीच में इंटीमेसी के इश्यूज है तो भैया मेरा मन नहीं करता क्या करने को, मैं भी एडल्ट मूवीज देखता हूँ। किसकी वजह से? तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। ये चीज मोनिका अगर मुझसे वैसे भी डिस्कस करती तो आई वुड हैव बीन फेल्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगता। आपने क्यों नहीं बात की उसके साथ? वो क्यों करे आपके साथ बात? प्रॉब्लम आपकी कि आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। आपने सोचा नहीं कि यार मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूँ जिसको मैंने फिजिकल इंटीमेसी नहीं दी, तो मुझे कुछ और तो करना चाहिए ना कि उसकी ये मेरी प्रॉब्लम की वजह से जो उसको प्रॉब्लम आएगी, विच इज प्रिटी ऑब्वियस, उसको सॉर्ट किया जाए। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आज के डेट में सिर्फ बॉयज के लिए नहीं होती है, वो गर्ल के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, इक्वली इम्पोर्टेंट। एंड कहीं ना कहीं हर कोई लड़की करती है पर एक्सेप्ट कोई नहीं करता है, ठीक है? To be very frank, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इतनी बड़ी चीज एक्सेप्ट करी। Let me tell you something, boys. We need sex too, and we want to feel loved, we want to feel romanced, and we want to feel beautiful, just like all of you. Yes, Jugnur, I understand. It's not just about sex. Yeah, but guess what? For Monica, right now, yes, it is. Okay, guys. One more confession. I feel like my partner is attracted to somebody else on Love School. One. जो सोचने और मतलब चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि आशिया ने हाथ खड़ा किया, और आशिया रहती है हमारे रूम में ही, हम दोनों
कपल्स एक ही रूम में रहते थे। किसी और को लगता है और कोई है? नो? ओके। मुझे प्रॉब्लम है आप लोगों से। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग शायद इस एक्सरसाइज को ढंग से समझ नहीं पाए, इसलिए इस पॉइंट पे हम इस मुद्दे को यहीं पर लटकता हुआ छोड़ें। थैंक यू गाइस, आई अप्रिशिएट योर कन्फेशंस, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये सिर्फ बिगिनिंग है। देयर सो मच मोर टू कम ऑन लव स्कूल सीजन 2। गुड नाइट, वी विल सी यू अगेन। प्रोफेसर्स के लास्ट कन्फेशन स्टेटमेंट को सुनकर सारे कपल्स शॉक हो गए। अब बस देखना ये था इस कन्फेशन की वजह से इन कपल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला था। जब रूम में वापस आए, हमारी बहुत ज्यादा बहस हुई, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे बहुत चेंज। तुम्हें को एक बात बताना, एक्सपेक्टेशन की बात है। डेढ़ साल से तूने मुझे आज तक तू नहीं बोला, आज तू इसको बोल रही थी, इसको। लर्न बैड थिंग्स फ्रॉम पीपल, राइट? मैंने लिटरली जब मैंने बोला तो मुझे ये लगा नहीं था कि आपने सच में ही बोला होगा। तूने एक्सपेक्ट किया, तभी तूने हाथ खड़ा किया। बंदे को अंदर से पता होता है कि बंदा मेरे में इस बारे में मेरे लिए सोच सकता है, तभी तूने हाथ खड़ा किया। किसी और ने क्यों नहीं किया? रशिका, तेरे को मालूम था कि मैं तेरे बारे में ऐसा सोचता हूँ, समझ आई? अपना जाके ना घर पे वार्डरोब चेक कर, एक भी तेरा कपड़ा खुद का नहीं है। बात करती है मेरे से, मैं तो बड़ी भैया अपनी घर की मैं बनती हूँ। मैंने इसकी कर दिया कर। हाँ, एक तो गलती करो और फिर मुझे ही सुनाओ। अरे घर में एसी तक नहीं लगा हुआ और तेरे क्या बोली? मेरे घर में एसी है। अबे चल साले, तुम्हारे घर में तो अच्छी रजाइयां भी नहीं, तुम सोच रहे हो तो मैं सब देखा करे घर पे बात कर। फिर मैंने इसकी बजाई और सच सामने लाया। क्या कि भैया तू थी मनी माइंडेड और तू है मनी माइंडेड। बिल्कुल, जब उसने ये चीज बोली मेरे को लगा पता नहीं कौन ऐसा होगा, मैं किसी और के बारे में सोच रही थी, मुझे नहीं मालूम था आप बोल रही। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता मैं कुमार तुझे तुझे जाके बोल ले। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता। मैंने क्लियरली ऑडिशन में बोलता, मैंने कुछ भी हो जाए, रशिका कभी रिस्पेक्ट पे नहीं आती। यार तुझे तेरे को फर्क नहीं समझ आ रहा? उनको उसको दोनों में बहुत फर्क है। वही तो बोल रहा हूँ, अभी भी तब क्या प्रॉब्लम थी? मैं वही बोल रहा हूँ, तब क्या प्रॉब्लम थी तेरे को? बार बार रिपीट मत कर, तब क्या प्रॉब्लम हो रही थी? चिल्लाने से उसको और उनको में तेरे को फर्क समझ आता है? मेरा गुस्सा बहुत गंदा है, मेरे से भी ज्यादा गंदा मेरा गुस्सा ही है। और जब मेरे को गुस्सा आता है तो फिर मैं देखता नहीं, मैं माँ बहन पे आ जाता हूँ। कौन सी लड़की को देखा? एक इसके अलावा मेरी किसी से बात होती है? मुझे लगा मैंने उठाया। हमारा झगड़ा हुआ जो कि होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो सकती है कि मैं किसी और लड़की की साइड अट्रैक्टेड हो रहा हूँ। तेरे को पता है इस कमरे से बाहर नहीं निकला हूं मैं, उसे पता है ये बात। और तू वहां पब्लिकली हाथ उठा के, हाँ ये तो उसके भाभी मुंह में, कहां गया मेरे को पता किस पे अट्रैक्ट हूं? पाशा और खेमराज तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मतलब उसके तरफ, पाशा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये ड्रामे मत कर अब। तेरे को एक बार कहा दरवाजा खोल, मतलब खोल। अरे यार हटो प्लीज, हटो यहाँ से। तो मैं मेरी मर्जी में यहाँ पे इमेज बनाना आई हूँ, मैं तमाशा करने के लिए, मैं ड्रामा करने के लिए। पहले तो मैं क्लूलेस था कि ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है। आई मीन मैं किसी से एक मिनट हंस के बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मैं, नहीं और जो समझना समझ, मैं भी जा रहा हूँ और रोल ले जाके मेकअप कर लियो अपना लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ी देर बाद हमने एक घंटी की आवाज़ सुनी रूम में, हम सबके सब फिर से इकट्ठा हुए जहाँ पे घंटी बज रही थी। प्यारे स्टूडेंट्स ऑफ लव, गेट रेडी फॉर योर फर्स्ट लव एग्जाम, प्लीज वेयर योर स्विम वेयर एंड कम टू द स्विम। लव एग्जाम,
तो मुझे था यार, स्कूल में तो कभी मार्क्स पूरे आए नहीं, यहीं पे ले लो यार। थोड़ा सी ऑकवर्ड लग रहा था बिकॉज मैंने इससे पहले कभी बिकनी वगैरह पहना नहीं है, पर से एग्जाम था, कुछ समझ नहीं आ रहा था टास्क होगा कि क्या होगा। मेरी तो मेरी स्पेशली मुझे बिकॉज फोबिया है पानी का लिटरली। हाय गाइस। हेलो। लड़कियां तो अच्छी लग रही है, ये लड़के चड्डियों में थोड़े अजीब से लग रहे हैं। कायन आपको पता है और मे बी सबको पता है आई लव फैशन एंड आई लव द रैम। आर यू रेडी फॉर रैम वॉक? Yeah, come yeah. backstage with me. चलिए अब सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा काम पे आते हैं। हमें बचपन से बताया गया है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यू गॉट टू नो ईच अदर ऑल ऑफ यस्टरडे। और मुझे लगता है कि मे बी सम पीपल हैव फॉर्मड ओपिनियंस ऑफ ईच अदर ऑलरेडी। हैव दे? जस्ट से यस ऑर नो। यस। या। यूजुअली हमारे रिलेशनशिप्स पे इसी तरह के लोगों के बनाए हुए ओपिनियंस फेंके जाते हैं और हमारा काम एज अ कपल इन जजमेंट्स को, इन ओपिनियंस को डॉज करना होता है। द रीजन वी वांटेड देम टू डू दिस इज बिकॉज समटाइम्स व्हेन एन आउटसाइडर टेल्स यू व्हाट्स रॉन्ग विद यू, दैट कैन आल्सो हेल्प यू एंड मेक यू बिकम अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो बीइंग अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन अ रिलेशनशिप इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स। सो That was the first love exam. So this brings us to our first relationship love exam. Mood silver, relationship goals. एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक कपल होगा और यहाँ पर एक एक करके बाकी कपल्स को आना है। आप देख रहे हैं कि आपके साइड में दो बास्केट्स हैं, उनमें अलग अलग रंग की बॉल्स हैं। अलग अलग रंग मतलब कि लाल फॉर कम्युनिकेशन, हरा फॉर इनफिडेलिटी, पीला फॉर ट्रस्ट, नीला इंटिमेसी का और ऑरेंज कमिटमेंट का, राइट? अब आपने एक एक करके एज अ कपल इस रैंप पर जाना है और जो आपको लगता है कि यहाँ पे खड़े हुए कपल की प्रॉब्लम है, आप उस हिसाब से अपने चॉइस ऑफ प्रॉब्लम्स के हिसाब से उस रंग की बॉल उठाएंगे और उनकी उनके ऊपर फेंकेंगे। कलर्स की लाल, पीली, नीली, हरी, अब बॉल उठाओ और दो एक एक के और बताओ कि साला ये दिक्कत है एंड लेट देम रियलाइज। जो कपल यहां पर खड़ा होगा बेसिकली जितनी प्रॉब्लम्स और ओपिनियंस को रोक पाएंगे, फेंक पाएंगे अपने से दूर,
उतना आपके लिए अच्छा है, राइट? सामने से दूसरे कपल्स आएंगे, वो आपकी तरफ एम करेंगे बॉल के साथ, और पीछे गोल पोस्ट होगा, उसमें आपको बॉल्स जाने से डिफेंड करना है, आपको बॉल्स नहीं जाने देनी, क्योंकि वो बेसिकली एलिगेशंस हैं हमारे ऊपर जो कि दूसरे कपल्स समझते हैं. सो गाइस, प्ले इट राइट बिकॉज द विनर विल बी द मूड सिल्वर कपल ऑफ द डे. पाशा एंड खेमराज आर गोइंग फर्स्ट. पहले जाने का हमें ऐसा लग रहा था कि यार पहले जाएंगे तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कैसे क्या करना है. भव्य, आर यू रेडी? इन 3, 2, 1, गो. वेल डन. तो जब हम अपने रिलेशनशिप गोल को बचा रहे थे तो उस टाइम पर कोई बॉल बहुत तेज आ रही थी, नेक्स्ट. चलो कम ऑन, दीपशिता. 2. आई कांट जा, आई कांट स्विम. दैट्स ओके, नथिंग, कुछ नहीं हो. इतनी डर गई थी मैं, कभी भी मैं स्विमिंग पूल में नहीं जंप किया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो आज गई. कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, यू ओके? मैं पहली बार जो जंप किया तो ऐसे कर रही थी, तो बहुत डर लग रहा था पानी से. तीन फीट के पानी में बंदी खड़ी नहीं हो पा रही, गिर रही थी. तीन फीट के पानी में, अरे पाक. इनफिडेलिटी. When we see that Pranav and Rashika want to throw on us infidelity, we decided these balls we have to catch anyway. Like we have to die but protect our relations. Hey, very good. पाशा और खेमू, वो दोनों की हाइट बहुत लंबी है. जब वो दोनों प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तब भी उनको एडवांटेज था, बिकॉज अगर उनके पास हम लोग फ्लाइटेड बॉल भी फेंक रहे थे तो वो इतने लंबे है कि हाथ से ऐसे पकड़ के नीचे कर सकते थे. चलिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट. मैं आज तक कभी स्विमिंग पूल में नहीं गई हूँ, तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैं पानी के अंदर जा रही थी, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं पता नहीं कैसे क्या होगा. मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और पानी मेरे नाक और कान में चला गया, तो मैं सांस ढंग से नहीं ले पाई. करण एंड अनुषा वर ऑफ ग्रेट हेल्प, बाकी के क्रू मेंबर्स आए, इनको पफ दिया. एस्मा अटैक एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें आप क्या होता है कि अगर आपको अटैक आया है तो आप चल भी सकते हैं, आप वहीं ख़त्म हो जाते हो. मेरा शॉकिंग पार्ट ये था, जो मिसेज मैंने नोटिस किया, जब उसके हाथ में एस्मा पंप आया उसको ये भी नहीं पता था पंप कैसे करते हैं. Great job, Pasha and Kamran. आ जाइए. मां कसम हम इनफिडेलिटी नहीं जाने देंगे. हम सारे कपल्स बॉल्स फेंक रहे थे तो हमें अभी बॉल फेंकना नहीं आ रहा था. नेक्स्ट. भव्या और राशिका की बारी आई, तो भव्या ये मतलब पूरा हाथ स्ट्रेच करके कि मतलब भैया अब तो गोल होगा ही नहीं. जब पहला कपल ने अपने बॉल्स उठाए तो हम अभी वाला एक शॉक के इंटीमेसी की प्रॉब्लम थी, तो लोग कुछ लोगों ने वही उठाया. कम ऑन मोनिका. जगदूर भाग के आता है और बॉल यहां से डायरेक्टली टेरेस पे जाती है. आप सोचते रह गए और गेंद जो है आपकी गोल को फाड़ता हुआ निकल गया. करण सर बोलते हैं जगदूर गोल विंडो गोल. चल भाई हनी. जब तक हमारी चांस आई गोल पोस्ट पे खड़े होने के लिए, लोग काफी सीख गए थे कि गोल की तरफ कैसे मारना है. लोग बता रहे इनको तो पेलेंगे, इनको तो पेलेंगे. लोगों का एटीट्यूड ही चेंज हो गया तभी, और सबको तभी उस गेम में मजा आने लगा, तो सब जोश में आ गए. सो बेसिकली यहाँ पर खुंदकें निकाली जा रही हैं. उसको हैंडल करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो गया था, और बाकी के कंटेस्टेंट्स हम पे हंस रहे थे कि यार इन लोगों को संभालते नहीं बन रहा है.
हमने हर किसी जिस जिस कपल ने हम पे गलत ऑब्जेक्शन उठाया था, हमने उस कपल पे ट्राई किया कि हमारे थ्रू पूरे का पूरे बॉल जाए। वेरी गुड, दे आर गिविंग बैक व्हाट वाज थ्रोन टू देम। इसी खुंदक से हम खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा यार। पार्शा और किमराज, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वहां पर दिख रही थी कि आप एक साथ इतने गोल्स कर रहे थे। आई रिस्पेक्ट दैट। नेक्स्ट कपल, कम ऑन। तो फिर जगनूर का टर्न आया। जगनूर को स्टार्टिंग से ही करण सर उसकी खींच रहे, ले रहे। जगनूर एंड मोनिका, आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर वैसे ही बहुत उंगलियां हैं। फिर और लोग आ रहे हैं अपनी अपनी चॉइसेस और अपने अपने जजमेंट्स आपके ऊपर फेंकने। अप टू यू गाइस। ओके, इंटिमेसी इज द एक्यूजेशन। जगनूर जो खड़ा हो रहा था वो बॉल उसके सामने से जा रही है, उसके बाद कूद रहा है। हमारा एक मेजर इशू है इंटीमेसी का। तो मैक्सिमम लोगों ने कोई बॉल का कलर उठाया ना उठाया, उन्होंने इंटीमेसी का जरूर उठाया था। सबसे ज्यादा फनी वो था, कोई बॉल किसी साइड से जा रही है, उसकी गर्लफ्रेंड उस बॉल को बचा रही है, बट वो कूद जा रहा है पानी में। Fight your problems, okay? Yes. Don't let them get into your relationship goal. Second number pe. Trust bhi tha. Trust bhi tha, intimacy bhi tha, aur infidelity bhi tha. उस टास्क के बेसिस पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मालूम चली कि लोग हम दोनों को देख के क्या समझते हैं कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, एंड उसकी वजह से हम लोगों ने उसके बाद उस पर और ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। कॉम्पिटिशन था, हम भी कंपेटिटर हैं, तो सोचा तो हुआ था ना कि तो है ये सब। Are you ready to defend your relationship? Right. Oh. Okay. Next. चलिए मोनिका। एक भी गोल ऐसा नहीं था जो मेरे हाथों से वो निकाल पाए। सब लोग ऊपर से फेंकने पे आ गए थे, इतना उनको मैंने हिलाकर रख दिया। रंजना, गो फॉर इट। जैकलीन एंड वरुण, कम ऑन। वरुण वहाँ पे टफ कॉम्पिटिटर था, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी थी कि बॉल को नीचे पानी में मारना और उतनी ही स्पीड से वो गोल में जा रहा था। पाशा। ओह वाव। खेमू की बॉल रॉकेट की तरह आ रही थी। मैंने काफी मिस कर दिए थे तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, बट स्टिल हमने एक अच्छा कॉम्पिटिशन दिया। नेक्स्ट कपल, कम ऑन। दीक्षिता, सिर्फ संदीपन एफर्ट करेगा तो नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप है, आप ही को बचाना है। गाइस, आई वांट अ डबल वैमी हियर। चलो। वाह, 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 अमेजिंग। कौन जुगी? जुगी, कम ऑन, जुगी, तेरी। मैं मेरे तरफ से कोई कोशिश की कमी नहीं रखी और जाके कूद कूद के बॉल को प्रिटेंड कर रही थी। यस, वेल डन इप्सिता। बहुत एफर्ट दी हम दोनों में, तो बॉल को हम लोग कहीं पे डाइवर्ट कर रहे थे। इनफिडेलिटी, जैकलीन और वरुण ने हमें दिया था इनफिडेलिटी का, तो मुझे बहुत गलत लगा। इनफिडेलिटी हमारे बीच कुछ भी नहीं है। गो जैके। ओह वाओ गाइस, से फील ही नहीं होने दे कि वो लोग मुझसे हट्टा कट्टा है, वो लोग घी खाते हैं, इतना इतना प्रेशर है बॉडी में। ठीक है, इट्स ओके। नाइस, ओह नाइस ट्राई। कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन गाइस। मोनिका,
Monica, communication and commitment. Very good, Monica. क्या कॉन्फिडेंस है कि इस बार कुछ चक्कर नहीं, कोई कोई आसमा वासमा कुछ नहीं हुआ. She started feeling a little better, और उसी के साथ she became more confident next time से. And we was thinking like, okay, this is our time for revenge. And now we will show you guys. हमें एक्चुअली रियलाइज हुआ कि ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, जो इश्यूज हमें हैं आपस में, वो लोगों को भी दिख रही हैं. वो लोग हमारे ऊपर एक्चुअली में वो इश्यूज थ्रो कर रहे थे हमारे ऊपर. हमें रियल साइड दिख रही थी कि हाँ, हमारे बीच में ये एक्चुअली में इश्यूज हैं जो हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है. चलिए, कौन बचाए? For who make you feel better. Come on. Yeah! जब अर्शिया पेंट होने की एक्टिंग कर रही थी और उसको यू नो पंखा वंखा ऑन कर दिया, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा था, और तो हमें लगा कि सचमुच शी इज बिकम वीक, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब 6-7 घंटे धूप में खड़े थे. चलिए प्रणव, राशिका, नेक्स्ट कपल. Anjana, go for it. अगर पूरे ऑब्जर्व किया जाए तो वरुण और जैकलिन दे थ्रू वेरी नाइसली, बट दे कैच बॉल्स वेरी बैड. कम ऑन अर्शिया, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. आई लव दैट यू आर ऑल फाइटिंग थ्रू एवरी फियर, एवरी इलनेस, एवरी ब्रोकन नेल. फाइट फॉर लव एंड हाउ. अर्शिया, यू रेडी? गो फॉर इट. तो काफी टीम्स थी जो एक्चुअली भरी बड़ी थी हमसे, क्योंकि उनको मौका मिले, बट एट दी एंड तक तो हम भी थक चुके थे. सबको ट्रिक पता चल गई थी कि इसको ऊपर से फेंकना है, इसको ऐसा फेंकना है, तो ज्यादा मुश्किल मतलब वो हमारे लिए ही हो गया था. Come on, guys. Play it right. कहीं ना कहीं हमारे मन में ये था कि हाँ, यहाँ सबसे छोटे और सबसे कम स्ट्रेंथफुल हम दोनों हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए चैलेंज भी था कि इन सबको पता ना कि हम इतने कमजोर नहीं है जितने आप लोग सोच रहे हो. चलिए नेक्स्ट कपल, रेडी? ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग था जो बाकी लोगों ने हम पे लगाया था. कहीं ना कहीं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार, एक दिन में आप कैसे समझ सकते हो, कैसे हमें समझ सकते हो कि हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते, और आप एक दिन में हमें जज करने वाले कौन हो? हनी, डिफेंड योर रिलेशनशिप. पाशा, गो. मेरा और इसका दोनों का हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था बहुत ज़्यादा. तो हमारी हिम्मत हुई, इसने बहुत मेहनत करी कि तबीयत खराब होने के बाद भी ये मेरे साथ एंड मोमेंट तक खड़ी. तो आज आपका पहला लव एग्जाम था. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, अपने आप को एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. एवरीबडी परफॉर्म रियली वेल. अपने आप को, अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप लोगों ने आज आउट परफॉर्म किया. So, आपके पहले लव एग्जाम के मूड सिल्वर कपल जो कि विनर्स हैं, मैं आपको बात करूंगा. जाइए, प्रिपेयर कीजिए जजमेंट डे के लिए. राइट, चलो. एक्चुअली गाइज, अगर आप हमारे साथ चिल करना चाहते हैं तो आप चिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कूदने वाला हूँ. We not expected from them that they will jump, right? हाँ, but उन्होंने जंप किया, फिर म्यूजिक बजा, हम सब ने काफी एंजॉय किया. Come on, and in 1, 2, 3. कपल्स के बीच इंटेंसिटी और ड्रामा और भी बढ़ने वाला था.
क्योंकि लव स्कूल का फर्स्ट जजमेंट नाइट वॉज अबाउट टू कम। आज इनमें से एक कपल की जर्नी यहीं खत्म होने वाली है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर फर्स्ट Judgment Night. Vivo Camera and Music presents here on Love School Season 2, powered by Mood Silver. So guys, हम लोग Love School पे कोशिश करते हैं कि आपकी relationship की जो problems हैं, उन्हें solve करें आपकी psychology में, आपके senses में, and basically just to give you a nice fairy tale ending, या फिर एक fairy tale शुरुआत. How are you feeling tonight? It's judgment night. It's your first one. Nervous and excited. मैं बहुत tense हूँ, मैं नहीं जाना चाहता because अभी तक बहुत problems चल रही हैं और मैं इस relation को better करना चाहता हूँ, तो I need some time कि मैं यहाँ रहूँ. जिसका प्यार सच्चा है वो रुकेगा और जिसका प्यार सच्चा नहीं है वो जाएगा. मैं जानना चाहता हूँ ये नकली couples कौन से. पार्टी की नाइट मुझे प्रणव का रिश्ता समझ नहीं आया. वो कहता बहुत है और उसकी गर्लफ्रेंड भी कि प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार में मुझे लगता नहीं कि हदें पार होनी चाहिए बोलने के लिए तीसरे बंदे के सामने. क्या इसने गुरमीत के सामने राशिका की? जो गुरमीत नया बंदा आया उसे क्या पता यार. हाँ पूछो भाई से. और कौन था यहाँ पे? वहाँ पे गुरमीत था, भव्य था. भव्य क्या हुआ था? सर यही बता रहा था कि ब्लैंकेट में देखा था मैंने, एक ही ब्लैंकेट में कोई संजू करके रशिका का फ्रेंड है, उसके साथ बेस्ट फ्रेंड है जिसको वो बोलती है, तो ये सब गुरमीत को बोल रहा था. गुरमीत तो थोड़ी देर के लिए सिर्फ वहाँ पर था ना, इतनी क्या आपको आग लग गई कि आप एक आउटसाइडर को इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं? सर वो गुरमीत जब वहाँ पे आए थे तो हम सारे इकट्ठे बैठे, तो लाइक गुरमीत और मेरा ज़्यादा इंट्रैक्शन हो रहा था बाकी कंपैरेटिवली. तो उसने मेरे से क्लियरली पूछा, कह रहा बताना भाई बनके, तू भी पंजाब का मैं भी पंजाब का हूँ, तो मेरे को भाई भाई बनके बता दे. तो मैंने वो बताया कि हाँ ऐसा ऐसा पास था इसका, तो मेरे को नहीं पता था इस चीज़ का हिल मतलब फ़ायदा उठाएगा गुरमीत ने फायदा उठाया. हाँ इस चीज़ का मैं आप बताता हूँ किस तरीके से. लाइक उसको मैंने बोला कि मेरे को जब ये मैं किसी और लड़के के साथ देखता हूँ तो मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत रिजर्व हूँ इस चीज के लिए, सबको मालूम है बात. तो जब ये डांस करने चली गई, मैं भी दो मिनट के लिए डांस फ्लोर पे गया, लेकिन मैं सड़ गया मतलब ये लोग लाइक ऐसे ऐसे हाथ पर के ऐसे रोलिंग वाला डांस कर रहे थे आपस में, तो मेरे को नहीं चाहे वो गुरमीत हो. तो मैंने इस बात से इससे लड़ाई करी, मैंने गुरमीत से नहीं करी, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरे मम्मा ने मुझे यही बोला कि तू अपनी बंदी को समझा सकते दूसरे बंदे को नहीं बोल सकता. चलिए अब एक दूसरे की आंखों देखी कहानियों पे बिलीव नहीं करते एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कौन सच्चा और कौन झूठा है. Why you are doing mistakes again and again, Rashika? प्रणव वो mistakes नहीं हो रही हैं. नहीं हो रही हैं? अच्छा कोई और हो रही हैं? कोई और हो रही हैं? The past only. क्यों ये past अभी जो हुआ? मेरे ख्याल से अभी हुआ है वो. क्या हुआ क्या? मैं भी addicted हूँ. So मैं भी करूंगा जो करता हूँ. तो करा क्यों नहीं फिर? तो करूंगा ना अभी. दिखाओ ना अपना असली असली फेस मेरे को दिखाओ. अब मैं असली रूप दिखा रहा हूँ. रियल फेस दिखाने वाला हूँ. हाँ अब मेरे पे मत ब्लेम करो, मेरी वजह से दिखा रहे हो. यार प्लीज चुप कर. रशिका ये कौन सी असलियत की बात कर? मुझे नहीं पता क्या असलियत की बात कर रहा था वो, अभी आप ही बता सकते हो बेटर की. मैं बताऊँ आपका पूरा खानदान उसके पैसों पर पल रहा है. तू तो नौकर जैसी है. नौकरानी. नौकरानी जैसी. मेरी नौकरानी है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट स्टिल अभी कुछ दिन पहले ही प्रणव ने मुझे ये बोला. स्टार्टिंग में एक्चुअली मैं फ्लैट पे रह रही थी बिकॉज पेरेंट्स के साथ कुछ इशू थे, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो ही इज़ द ओनली वन जो मेरे को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम. बट उस टाइम भी ऐसा था कि मैं अगर इसके घर पे जाती थी तो ही वॉज लाइक जब फाइट्स हो रही हैं इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स कि निकल मेरे घर से, नौकर कहीं की, मेरे पैसों पे पल रही है. फॉर हिम या बोलते हैं बहुत टाइम फाइट्स होती है तो ही वाज लाइक कि तू तो नौकर है, निकल यहाँ से, तेरे को पाल रहा हूँ मैं. बट मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी मेरी फैमिली या मेरे पेरेंट्स किसी चीज में वीक हैं कि वो मेरे को नहीं
अफोर्ड नहीं कर पाते वो मेरे खर्चे, ऐसा कुछ है। आपकी फैमिली वीक नहीं है, आप वीक हैं। रशिका, मैंने ऑडिशंस में ही कहा था कि आप विक्टिम हैं, और अभी भी मैं वो ही बोलूंगी कि आप विक्टिम हैं। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज यू बिहेव लाइक वन। क्या आपकी फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप खराब है? या एक्चुअली मेरी पेरेंट्स के साथ इश्यूज हैं, और पहले भी थे, बट अब ऐसा हो गया कि वो जब से मैं प्रणव के साथ रिलेशनशिप में हूँ वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है। मतलब आपके पेरेंट्स का आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है? नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं? वो नहीं लाइक करते प्रणव के साथ मेरा। They don't like Pranav. No. प्रणव मेरे घर पे आए और मेरे मम्मा ने डायरेक्टली मुझे बोला कि मैंने प्रणव को इतना ऑब्जर्व कर लिया कि ये तेरा एक दिन मर्डर कर देगा, तुझे मार देगा। मम्मा रो रहे थे उस टाइम पे, एंड शी वाज लाइक कि मुझे लग रहा है ऐसा कि बहुत ज्यादा पोजेसिव है, तो तू तेरी डेड बॉडी घर पे आएगी। ये वर्ड्स थे मम्मा के। रशिका, रिपेंट करती हैं? अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ा आपने उस टाइम पे। ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स तक पापा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। एक दिन मेरी फोन पे बात हुई और ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वो मुझसे फोन पे बात करते हुए रो रहे थे कि एक बार घर आ जा प्लीज, एक बार घर आ जा। बट मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि नहीं, अभी घर नहीं जाना मुझे। मेरे को अपना प्रोफेशन दिख रहा था, प्रणव दिख रहा था, मैं नहीं गई उस टाइम पे घर पे। बट आज अगर मैं घर पे जा रही हूँ वापस, लेकिन पापा के एंड से वो नहीं दिखा रहे, अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे, और मैं सच में चाहती हूँ कि मैं वापस वैसे ही डैड मेरे पास वापस आए। मैं ट्राई करती हूँ बट वो मेरे से बात भी नहीं करते। Your father was here today. आप क्या बोलना चाहते हैं? पापा, I'm sorry. जो भी हुआ। पापा, I'm sorry. जो भी हुआ, but उन चीजों को भुला दो प्लीज एक बार। ये सोच के कि आपकी डॉटर हूँ मैं, एंड आई नो वो सबसे ज्यादा प्यार आप मुझसे करते हो, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मैंने करी हैं जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे गर्ल को 3 महीने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के बाद। लोग इतनी इंसर्ट करते हैं, ऑब्वियसली आई नो दैट। उसके बाद आप मुझे अलाउ कर रहे हो, तो आप मेरे लिए गॉड हो, सबसे बड़े पर्सन मेरी लाइफ के आप ही हो। आई रियली वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ। एक बार मुझे हग करना है। रशिका, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पापा से बहुत प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा। उनकी इज्जत करती हैं? या। तो जिस लड़के ने आपके पापा को भिखारी बोला, उसके गाल पे एक जोरदार चांटा मारी। You love your father? You made such a beautiful speech for him. And he may see it, but please end it with something that proves that he and all of this was the truth. दोबारा कभी मेरे पेरेंट्स को लेके कुछ भी मत बोलना। मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे बात करो, मेरे पापा पे स्पेशली मत जाना कभी भी। प्रणव, आपकी जो मॉम है, जिनके सामने आप इनको गालियां देते हैं, काश कि उन्होंने आप
के मुंह पे एक जोरदार चांटा मारा होता। पता है क्या, सब तेरी मॉम की गलती है। उन्होंने एक गलत अपब्रिंगिंग दी है तुझे। उन्होंने एक लड़का नहीं, एक गीदड़ पाला है। And I'm sorry, it's not your fault. सर मम्मा ने तुम्हारी मम्मा ने ही किया सब कुछ। सर मम्मा का कोई, मम्मा पापा का कोई फॉल्ट नहीं। मैं अपने मॉम डैड को जानता हूँ। अब बेटा एक लड़का औरतों को कैसे ट्रीट करता है सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी माँ ने उसको कैसे पाला है। सर मम्मा पे नहीं जाना सर। बेटा मैं तो जाऊंगा, वो खाड़ ले जो खाड़ना है। अरे जिसकी मम्मी इतना सब कुछ ट्रीट कर लेती है। सर आप बहुत गलत बोल रहे हो, प्लीज मत बोलो। क्या कर लेगा सर? मैं आपको क्या बोल सकता हूँ बताओ। एग्जैक्टली मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली मुझे कुछ नहीं बोल सकता ना, क्योंकि तू सिचुएशन के हिसाब से गुस्सा होता है। क्योंकि तू मुझ पे एग्रेशन नहीं निकाल सकता, क्योंकि तू मुझ पे गुस्सा नहीं हो सकता मेरे भाई, इसलिए तू उस पे अपना गुस्सा निकालता है। क्योंकि तू निकाल सकता है, क्योंकि वो सुनती है। जिस तरह से तू सुन रहा है अपनी मॉम के बारे में, उस तरह से वो सुनती है अपने घर वालों के बारे में। मैं एक आदमी हूं और तुझे समझाने के लिए मैंने ये बकवास की, लेकिन तू एक आदमी होते हुए एक औरत को रोज जिल्लत देता है, उसको तू रोज टॉर्चर करता है, और जब मैंने तुझे टॉर्चर किया तो लड़कियों की तरह रो रहा है। तू एक वीक स्पाइनलेस घटिया इंसान है। अगर गुस्सा झेल नहीं सकते ना, तो दूसरों पर भी नहीं डालना चाहिए, समझा? And I apologize for saying what I said to your mother. But तेरे जैसे इंसान को असलियत दिखाने के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। किसी भी लड़की की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, अब रोना बंद कर। आज के बाद प्रणव जब भी रशिका की फैमिली के बारे में या उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोलने का दिल करेगा ना गुस्से में, ये रात याद रखना। I'm sorry guys, मैंने बिना वार्निंग के एक ऐसी एक्सरसाइज कर दी जिसमें कि कुछ बहुत ही अजीब चीजें मुझे बोलनी पड़ी, लेकिन हम लोग साइकोलॉजी समझते हैं। कई बार हमें इस तरह के मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, बट मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद ये लड़का कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली के बारे में या उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सिंपल। आफ्टर ऑल दीज इमोशंस मुझे कुछ कहना है। हमारा सरप्राइज कपल गुरमीत और काव्या, they were just for a surprise. हमने अपनी आंखें और अपने कान गुरमीत और काव्या को बनाकर आपके पास भेजा था, ये पता करने कि वो कौन सी बातें हैं जो आप लोग हमें किसी भी रीजन की वजह से नहीं बता रहे। लव एग्जाम पे आते हैं। यस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज की रात का, वो ये है कि आज
हमारे में से कोई एक यहां से जाएगा। जैकलिन, वरुण भाई यहाँ पे चीजें सॉल्व करने आए थे, ऑफ कोर्स आपने वादा किया था तो वादा पूरा करके ही जाऊंगा। अर्शिया, हनी, आपकी तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा नहीं है, एक आध प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी होगी, तो आई थिंक लॉजिक के हिसाब से आपको जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हम सब सॉल्व करके जाएं। मैंने और अनुषा ने आप सबसे वादा किया था कि आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके रिलेशनशिप को हम एक और चांस देना चाहते हैं। सो इस बार कोई एलिमिनेशन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि लव एग्जाम का फायदा क्या हुआ, बट नहीं, हम सब कुछ सोचते हैं। आज के लव एग्जाम में ऑब्वियसली एक कपल विनर है और अगले लव एग्जाम में उस कपल को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, एंड दैट्स आवर प्रॉमिस। बट अगर लव एग्जाम में एक कपल टॉप में है, दैट ऑल्सो मीन्स कि एक कपल बॉटम में है। अब उस बॉटम कपल का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये मैं और अनुषा डिसाइड करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग आप लोग सब जाइए, अगले लव एग्जाम के लिए रेडी रहिए और अपने अपने रिलेशनशिप पे काम कीजिए। थैंक यू एंड कीप ओपनिंग अप। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।